झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन एक्स फैक्टर साबित हुई हैं। बीजेपी की फौलादी टीम को भी कल्पना ने ऐसी पटखनी दी कि उसकी चर्चा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी लिखी हैं? झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती हुई और एक बार फिर से राज्य की कमान मिली झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM को। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले इस गठबंधन की जीत में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को एक्स फैक्टर माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती के बाद राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार लौट रही है। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कुछ महीनों पहले राजनीति में कदम रखने वाली कल्पना सोरेन ने तो सिक्सर मार दिया। कल्पना सोरेन चंद महीनों में छा गईं। पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ से इनकी रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा देखी गई। खुद कल्पना ने भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को निराश नहीं किया। कल्पना ने पूरे झारखंड में 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां की। यहां तक कि जिस सभा स्थल पर खुद कल्पना नहीं पहुंची वहां उन्होंने फोन से रैलियों को संबोधित किया। पूरे राज्य में घूमने की वजह से कल्पना अपने विधानसभा क्षेत्र गांडे में ज्यादा वक्त नहीं दे पाई। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ने हमेशा की तरह जनसभा और रोड शो के लिए दिग्गज नेताओं की फौज उतारी थी। इस ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सरीखे दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती, मनोज तिवारी, हेमा मालिनी जैसे स्टार प्रचारकों ने भी खूब ताकत झोंकी। बीजेपी ब्रिगेड में ऐसी कोई भी महिला स्टार प्रचारक नहीं दिखी जो कल्पना को चुनौती दे पाए। 4 मार्च 2024 को राजनीति में आने वाली कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी जेएमएम के लिए खूब रैलियां की। इसके बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी कल्पना जहां भी रैली करने जाती वहां लोगों की भीड़ हो जाती। रैलियों में उमड़े लोगों को देखकर यहां तक कहा जाने लगा कि कल्पना सोरेन ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लंबी लकीर खींच दी। कई मौकों पर कल्पना भीड़ जुटाने में पति हेमंत सोरेन से भी आगे निकलती दिखी। झारखंड की राजनीति की गेम चेंजर कही जा रही कल्पना सोरेन की हर तरफ चर्चा है। हमेशा राजनीति से दूर रहने वाली कल्पना ने पति के कंधे से कंधा मिलाते हुए खुद को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल्पना सोरेन का जन्म उड़ीसा के मयूरहंस जिले में हुआ है। उनका पैतृक गांव उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बारीपदा में है। उनका जन्म 1976 में रांची में हुआ। उनके पिता अंपा मुर्मू सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ। कल्पना सोरेन ने अपनी स्कूली पढ़ाई बारीपदा के केंद्रीय विद्यालय से की है। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के कॉलेज से बीटेक की डिग्री हासिल की। उनकी रुचि व्यवसाय प्रबंधन में थी, इसलिए बीटेक के बाद उन्होंने इसी विषय में MBA कर मास्टर्स की डिग्री हासिल की। हेमंत और कल्पना सोरेन की शादी 7 फरवरी 2006 में हुई। इस दौरान हेमंत के पिता शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे। झारखंड में उनकी पहचान एक बिजनेस वुमन और समाज सेविका के तौर पर भी है। वो रांची में एक प्ले स्कूल की संचालिका भी रही हैं और एक निजी कंपनी की निदेशक भी हैं। फरवरी 2006 में हेमंत सोरेन से शादी के बाद वो रांची में ही रहती हैं। हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने वाली कल्पना पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता दोनों से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ती देखी गई। उन्होंने कम समय में ही अपने संवाद शैली के जरिए लोकप्रियता हासिल की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।